उद्योग स्थापना को लेकर आहूत जन सुनवाई में ग्रामीणों ने एक सिरे से विरोध दर्ज कराते हुए एनओसी को निरस्त करने की मांग की है। बलौदा बाजार जिला सिमगा विकासखंड के ग्राम पौसरी में मेसर्स लाला पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड उद्योग की स्थापना हेतु जन सुनवाई आयोजित की गई थी। जन सुनवाई में क्षेत्रीय ग्रामीणों ने एक स्वर में प्रस्तावित उद्योग का विरोध किया है। वहीं भाटापारा विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिवरतन शर्मा ने भी आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्षेत्र कृषि पर आधारित संचित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में रहवासी जब ग्राम सभा के बैठक में उद्योग स्थापना से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया है तो जन सुनवाई आयोजित करने का औचित्य ही नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने भी विरोध दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने कहा है कि किसी भी सूरत में उद्योग लगने नहीं दिया जाएगा। जन सुनवाई के दौरान भी गमहा गमही देखी गई। तो यहाँ पे जो संयंत्र स्थापना के लिए जो जन सुनवाई हो रही है, उस जन सुनवाई में यहाँ पे लोगों का विरोधाभास ज्यादा देखा जा रहा है, उस संबंध में आपको क्या करना है? सीधा सीधा कहना है कि यदि फैक्ट्री अधिनियम पर जाया जाए और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर यदि हमें अटूट विश्वास है तो जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार है और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा गांव वालों को जबरदस्ती का जो दबाव डाला जा रहा है, जब 100% लोग वहाँ माइक में बोल रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम पौसरी में ये जो मोस्ट पॉल्यूटेड रेटेड कैटेगरी वाला जो स्पंज आयरन है ये स्थापित नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि गांव के और आसपास के जो क्षेत्र में ऑक्सीजन जो क्षेत्र है अपना जंगल है, बिलाड़ी जंगल है, और यहाँ का जो सरकार की जो नीति है और जो मेन जो नीति है सरकार का जो नरवा घुरवा और ये जो खेती किसानी, उसमें 65% यहाँ पर जो किसान हैं वो खेती बाड़ी करते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर जो खेती बाड़ी में असर होगा और उनका जो खाद्य जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाएगा और शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पर सीधा सीधा इनका असर है। क्योंकि नज़दीक में इसी गांव का पोल्ट्री फार्म है, वहां पर लोगों से ऑलरेडी वहां पर रोजगार दिया जा रहा है और ये जो कंपनी अगर यहां पर स्थापित होती है तो निश्चित तौर पर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। ये जो कंपनी है, हमारा ये मांग है अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस का कि 60% कृषि क्षेत्र प्रभावित होगा। परियोजना ये जो है लाला स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है इनकी दूरी ग्राम से मात्र 0.75 किलोमीटर है, 0.25 किलोमीटर की दूरी पर यदि ऐसा खतरनाक और स्वास्थ्य के विरुद्ध में ये कंपनी अगर स्थापित होती है तो ये तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था का धज्जिया उड़ाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर, जब आम लोग यहाँ पर सीधा मामले को खत्म करके यहाँ पर लिख देना चाहिए था। फैक्ट्री अधिनियम का सीधा सीधा विरोध है ये, और अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ग्राम पौसरी के पूरे साथ है। क्यों जी? हमारे साथ ग्राम पौसरी के भी बहुत साथी लोग हैं यहाँ पर। वो नाम राका टंडन है, हम पूरा कंपनी के विरोध में हैं। पूरा गांव भरा है, पूरा पौसरी का नाच के लड़का है, 5-5 साल के लड़का तो लोग कंपनी विरोध करते, गांव के पंच सरपंच सब कंपनी के विरोध करते। तो शासन प्रशासन से अनुरोध है तो और का चीज के शासन इंतजार करते भाई, तुरंत लिख के दे कि स्थगित करे ला, शासन स्थगित करे चीज ला। जब पूरा गाँव भर के विरोध करते तो शासन और का चीज के इंतजार करते, इमें सब षड्यंत्र की होत का है बतावा। हम किसान आदमी है, हम किसानी के सिरा में कोई साधन नहीं है। तो सरकार से मैं बोला तो था, जब तक हम गांव घर में कंपनी हम खेत खोल रहे हैं, हम खेत में कंपनी बनाबे तो हम कहाँ करूँ? दारू बेचन का भूपेश सरकार का समान दारू बेचन खोलवा के। अगर सरकार बोली कि किसानी मत कर बेटा तो हम दारू बेच, बतावा सरकार भूपेश सरकार है दारू बेचन का तोरे का घरों का दारू बेचा था भूपेश सरकार इसने बतावाओ। सरकार से मैं पूछा था भूपेश बगैर सरकार से, तो घरों का कंपनी खुलवा देवे, हम तो किसान आदमी हमें खेती के किसान साधन है, तो हम का दारू बेचन का बता है, हम दारू भी तो हम कल से फिर कैसे जी बताओ कहाँ वाले ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता शासन खुद चाहते भाई उपजाऊ जमीन कृषि जमीन में कंपनी कैसे खोल रही, शासन बताया हमला। अच्छा कंपनी तो खोली आपको किसे रुतु बना कंपनी रे खुलता नहीं दीवाना मारो खोलने चले ना मारो खोलने चले ना मारो खोलने चले ना मारो कंपनी हुई दिन खुली जब हमारे ऊपर बिल्डो चल चल तब कंपनी खुली। हाँ ऐसे कैसे कंपनी खुल जाए? हाँ सर ठीक है, तो न्यूज़ में करने बाहर में पहले बाहर में चलो चलो आपका क्या कहना है?
देखिए ऐसा है कि शासन का ये निर्णय ही गलत है कि वो खेती की जमीन में उद्योग लगाना चाहती है, जबकि पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम सभा इस फैक्ट्री के विरोध में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। शासन को ये चाहिए कि अगर वो उद्योग लगाना चाहती है तो ऐसे जगह का चयन करे जिसमें गांव वालों का आपत्ति ना हो, जिसमें खेती किसानी का नुकसान ना हो, जिसमें ग्राउंड लेवल को नुकसान ना हो, जिसमें पर्यावरण को नुकसान ना हो। और ये क्षेत्र दो फसली तीन फसली है, एक तरफ सरकार किसानों के लिए नहर बिछा रही है और दूसरी तरफ आप फैक्ट्री लगा के पूरे फसल को बर्बाद करना चाहते हो। तो ये शासन प्रशासन का निर्णय गलत है कि वो खेती के ज़मीन में फैक्ट्री लगाना चाहती है, और गांव वाले पूरी तरह से इसके विरोध में है। चूँकि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हम भी चाहते हैं कि गाँव की बात को सुनी जाए और इस फैक्ट्री का विरोध किया जाए और फैक्ट्री को हम लगने नहीं देंगे। जो प्लांट स्थापित हुआ था वो खर बारे में आज बहुत सारी गांव में लाला पाइप्स लिमिटेड के जन सुनवाई रखे गए हैं। भाई आप सब देखा था कि सिंगा ब्लॉक के हर गांव में लगातार स्पंज आयरन, रोलिंग मिल, पावर प्लांट ये प्रकार के उद्योग लगाए के लगातार षड्यंत्र प्रयास किए जाते भाई। पूरा जन सिंचित इलाका है भाई, खेती किसानी के सिंचित इलाका नहर आपासी के जमीन में लोहा लक्कड़ के ये फैक्ट्री खोल के ये क्षेत्र ला पूरा बर्बाद करे के षड्यंत्र है भाई। सिलतरा, उरला, रायगढ़, कोरबा ये तमाम इलाका छत्तीसगढ़ के ला तो बर्बाद कर लीन। अब सबसे शांत इलाका धान के उपजाऊ जमीन ला बर्बाद करे खातिर ये हमर डहर इखर नजर हवे, ये रोकना बहुत जरूरी है। आवाज छत्तीसगढ़ के नवा छत्तीसगढ़ मन के जिन आवाज बुलंद हुआ थे देख के बड़ा खुशी हुई सबे कि गांव के आदमी जागरूक हो गए हैं भाई। अब अपन गांव ला बचाए बर, अपन लोग लैका ला बचाए बर, अपन खेती किसानी ला बचाए बर, वातावरण ला बचाए बर, अपन माल मत्ता ला बचाए बर आज अपन लड़ाई लड़े बर खुद आगू बढ़ के आगू आए हैं भाई। ये सबसे प्रशंसा के बात है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जिन उदीम उठाए है भाई, जल जंगल जमीन ला बचाए के आज दिखत है ओकर असर है। बहुत बहुत साधुवाद देवत हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ तमाम पौसरी के जम्मो किसान संगवारी महिला भाईनी भाई मन ला जिन आप अपन जीवन ला बचाए पर आज वो मन ये प्रयास करत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ बाँची, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ नवा छत्तीसगढ़ गढ़े जाए। अच्छा जन सुनवाई होए के बावजूद भी अगर वाले प्लांट खुला से वो स्थिति में अपन का करू? जन सुनवाई होए के बाद जन भावना के अवहेलना करे के बाद ग्राम सभा से विधिवत प्रस्ताव पारित करे के बाद यदि जनता के आवाज ल दबाए के प्रयास करे जाही, ओकर आवाज ल अवहेलना करके फैक्ट्री खोले के प्रयास करे जाही तो मैदान के लड़ाई हम लड़बो और ये फैक्ट्री ही भुइया में तो बनी हम तब अपन जीव देबो, लेकिन पाछू नहीं हटन कि लोहा लकड़ी बर्बाद करे खातिर कोनो ला अनुमति नहीं कर। ये भुइया हमारे, ये भुइया छत्तीसगढ़िया मन के, ये भुइया ल बर्बाद हुआ अपन आखी का आगू में अपन लोग ले गए जीवन ल बर्बाद कर नहीं देखन नहीं देखन नहीं। जिस ढंग से लगातार जन सुनवाई चल रही है हम इसका विरोध करते हैं और जन भावनाओं के आधार पर शासन से निवेदन करते हैं कि यहाँ उद्योग को जो प्रस्तावित है सबको निरस्त करें।